ऑल ऑफ अ सडन कह रही हैं आप, वो चाहती हैं कि मैं इस घर में बस जाऊँ सुखी सुखी, तो वो इसीलिए कह रही हैं कि ये दोनों बातें करें, थोड़े कंफर्टेबल हों एक दूसरे के साथ, इसलिए हमें भेज रही हैं बाहर। बच्चे को हम संभाल लेंगे, खाना भी हम बना देंगे, सब तुम जाओ घूमने। तो ऑब्वियसली अब हम दोनों हक्के बक्के के अब क्या करें, अब कैसे एस्केप करें। सही बात, क्योंकि हमने तो रोमांस के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मैंने सोचा था लेकिन मुझे करने नहीं दे रहे हैं सीरियसली, क्योंकि अभी तक प्यार का इजहार तो हुआ नहीं है, पता नहीं प्यार हुआ भी है कि नहीं, सिर्फ गिल्ट में शादी हुई है। तो बिल्कुल नहीं हुआ है तुम्हें, वही बोल रहा हूँ, सिर्फ गिल्ट में शादी की, गिल्ट में शादी की है, मतलब मुझे प्यार नहीं हुआ, इन्हें हो गया होगा, इतना स्मार्ट सा यंग सा लड़का मिलेगा तो प्यार जी नहीं। अभी तक हम अमित को नहीं भूल पाए, अमित की परछाई लेके तो आई है साथ में, कैसे भूलेंगी, ताकि मैं अमित को भी याद रखूँ, आगे भी बढ़ पाऊँ। एक हाथ में लड्डू एक हाथ में पेड़ा, एक ही जा रहा है हनीमून पे, तो एक ही जा रहा है। अभी क्या है कि एक बच्चे और दूसरे बच्चे में 3 साल का गैप होना चाहिए, उनको लेट भेजेंगे हनीमून पे। हाँ वो बात भी है। फिलहाल हम कहाँ जाएंगे, गोलगप्पे खाने? मुझे नहीं पता, अभी स्क्रिप्ट आई नहीं, आएगी तो मैं बता नहीं सकता। मुझे लगा जहाँ पे भी जाएंगे। तुमको क्या पसंद है? नहीं मुझे तो, मैं तो बहुत उदास हूँ, मुझे कुछ नहीं फिलहाल। कुछ पसंद तो होगा, अमित के साथ खाया पिया होगा ना कुछ, कि नहीं ऐसे ही हो गया गोलू? नहीं फिलहाल मैं कुछ सोचने की हालत में नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं अपनी सोच से इनको लेके जाऊंगा और इनको जो भी पसंद होगा, खट्टा मीठा जैसा खाना इनको सब खिलवाऊंगा, आखिर हम ये मेरी पत्नी है। ये बिल्कुल खुशी का माहौल नहीं है, मतलब एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ है बहुत बड़ा लाइफ में, खुशी का माहौल तो बिल्कुल नहीं है। मैंने एक डिसीजन सिर्फ अपने बच्चे के लिए लिया और कुछ नहीं। अपने बच्चे कोई चाहिए उसकी नैपी चेंज करने के लिए, कोई चाहिए जब मैं मॉल जाऊँ, जब मैं पार्टीज़ में जाऊँ, तो कोई संभालने के लिए चाहिए। जोक सपा, मुझे चाहिए एक ऐसा, मेरी माँ को लगता है कि भावना जो बहुत वीक है इमोशनली, से कोई साथ चाहिए, वो कभी अकेले रह ही नहीं सकती। भावना के भाव समझ लिए इनकी माँ ने। हाँ। और तो टांग दिया है शरद के साथ, अब शरद बैठेगा घर में, नैपी बदलेगा, खाना बनाएगा, और मैडम मर्यादा वाली है ना थोड़ी सी, तो ये शॉपिंग करेंगी, मौज करेंगी, है ना। अब लेकिन इनका एक प्रॉब्लम और हो गया, घर में आते ही बहन बहन के बीच में टकरार शुरू हो गई है, और मुझे उस चीज़ का भी गम है कि कहाँ दोनों एक साथ बहनें थी और कहाँ अब, क्योंकि इन्होंने माफ़ी भी मंगवाई है शायद रागिनी मेनका से। इस चीज़ का मुझे भी गम है कि सुहानी कैसे मुझे मिसअंडरस्टैंड, सुहानी कैसे मेरे अगेंस्ट जा सकती है, मुझे, मैं हर्ट हूँ, मैं बहुत, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं हर्ट हूँ बहुत ज़्यादा। देखिए मानते नहीं, लेकिन हो सकता है कारण शरद हो, क्योंकि शरद के कारण ही वो आई है। और दूसरी बात यह है कि मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी तरफ से हो रही है, क्योंकि अगर सुहानी जी सोच भी रही है, भाभी सोच भी रही है कि अच्छा हो, क्योंकि वो जानती है घर का माहौल क्या है, रागिनी मेनका कैसे तिकड़म बिठाती हैं, तो शायद उनकी तरफ से तो अच्छा है, लेकिन ये समझ नहीं पा रही है अब क्या वो है। क्योंकि मैं मेंटल स्टेट में नहीं हूँ समझने की, मैं ऑलरेडी, मेरा आधा दिमाग तो अमित के गम में है और 10 चीज़ों में है, ऊपर से रागिनी मेनका मुझे बार बार चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि देखो बड़ी बहन तुम्हारी जठानी बन के बैठी है और तुम बड़ी बहन होकर देवरानी बन के बैठी हो, और वो तुम्हें बार बार रोक टोक करती है, बॉसिज्म करती है। तुम अमित को इतना याद करोगी तो मुझसे प्यार कैसे करोगी? अब वो तुम्हारा काम है। तो अमित, अमित, वो अमित, तुम्हारा अमित, काम है अमित को मेरे जहन से भुलाना, वो तुम्हारा काम है। वो इसका काम है। टाइम है सीन में, उसके बाद तो ऐसा भूलेंगी ऐसा भूलेंगी। हम अनजान नहीं थे, हम लोग फ्रेंड्स थे। हाँ। बिकॉज सुहानी के घर पे हमारा आना जाना होता था, तो शरद को हम अच्छे से जानते हैं। बहुत हमने हमने डांस भी किया था एक, आपको अगर आपने देखा होगा। मैंने बहुत अच्छे से जानते हैं, अब बस उस जान पहचान को और आगे बढ़ानी है, एक मोड़ देना खूबसूरत सा। इसलिए मैं आप नहीं बुलाती, नाम लेके बुलाती हूँ अभी भी। आप नहीं कहती शरद, मैं आप कहता हूँ। ये कहता है भावना जी, भावना जी मैं कहती हूँ शरद। बस ज़्यादा प्यार मत दिखाओ ऑन स्क्रीन। नहीं ऑकवर्डनेस, वी विल एंड विद द ऑकवर्डनेस। सॉरी।